चलो अभी ना हमारा जो आज टॉपिक है ना, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, चैप्टर थर्ड का, उस चैप्टर का नाम में जो अपने टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे अपन जानते हैं कि जैसे अपने ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, या एनिमल्स हो, अब चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्रोडक्ट हो, सबकी अपनी क्या एक लाइफ होती है। सबको पहले क्या करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है ना, उसके बाद में हम ग्रो करते हैं, उसके बाद में फिर हम यंग होते हैं, फिर उसके बाद में हम ओल्ड एज पर आते हैं, और उसके बाद में हम लोग विदाई, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट के लिए भी यही बात होती है कि चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसको भी क्या करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, जन्म के बाद में वो भी ग्रो करता है, उसकी भी एक मैच्योरिटी एज आती है, और उसके बाद में वो क्या करता है, डिक्लाइन हो जाता है, या इट डाइज। डाइज मतलब वो मार्केट से आउट ही हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की भी स्टेजेस की बात करेंगे, उसकी भी लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट की भी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसकी भी क्या होती है, कोई ना कोई उम्र होती है। अब हमें नहीं पता वो उम्र ज्यादा होगी कि वो उम्र कम होगी किसी भी प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करेगी कि किसी भी बिजनेसमैन ने उसको किस तरीके से हैंडल किया है, या किस प्रकार की स्ट्रेटेजी उसने अपनाई है ताकि उसका प्रोडक्ट मार्केट में चले, तो कितना चले, कुछ सालों तक चले, कुछ महीनों तक चले, या हजारों सालों तक चले, या चलता ही रहे, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक टैगलाइन है, नथिंग लास्ट फॉर एवर। नथिंग लास्ट फॉर एवर का मतलब होता है कोई चीज जितनी भी चलेगी, एक ना एक दिन इस दुनिया में हर चीज को खत्म होना पड़ता है, चाहे वो कभी सूरज हो, चाहे कभी पृथ्वी हो, एक दिन इनकी भी डेथ होगी, ठीक है। तो सब चीजों को एक दिन खत्म होना पड़ता है, लेकिन सबकी एक लाइफ होती है, कम या ज्यादा। अब देखो ये क्या कहता है, एज कंज्यूमर वी परचेज मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ईच ईयर। मतलब कंज्यूमर्स क्या करते हैं, सभी कंज्यूमर्स मिला के देखो तो लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हम हर साल खरीदते हैं। फिर ये क्या कहता है, एंड जस्ट लाइक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इवन अस मतलब हम लोग, मॉर्टल ह्यूमंस। मॉर्टल का मतलब क्या होता है, जिसकी डेथ होगी। मॉर्टल मतलब एक होता है इमॉर्टल, एक होता है मॉर्टल। मॉर्टल मतलब सबको, सबको क्या करना है, एक दिन सबको मरना है, या सबको खत्म होना है। तो दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो हैव लाइफ साइकिल। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स की भी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। तो प्रोडक्ट भी क्या होती है, इनफाइनाइट टाइम तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलेगा, एक ना एक दिन उसकी भी डेथ हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। द बर्थ एंड डेथ ऑफ ए प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट किसी, पहले क्या करते हैं, उससे भी कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में हम सोचते हैं कि भाई एक आइडिया आता है कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मोबाइल बनाना है, जैसे हमें एक फैन बनाना है, जैसे हमें कोई डोर बनाना है, या कोई फर्नीचर बनाना है। तो हम पहले इसका विचार करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, तैयार करते हैं, सोचते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, फिर मैन्युफैक्चर किया। तो इस तरीके से फिर दुनिया में वो चीज जन्म लेती है। जन्म लेती है मतलब पहले विचार आता है, डिजाइन करते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो उसका क्या हुआ, एक दिन बर्थ हो गया, किसका, प्रोडक्ट का एक बर्थ हो गया, प्रोडक्ट ने जन्म ले लिया। जन्म कब लिया, जब वो मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट में एक दिन वो आएगा, उसका जन्म होगा, वो कुछ दिन तक बिकेगा, चलेगा, या कुछ सालों तक बिकेगा चलेगा, और एक दिन क्या हो जाएगा, वो मार्केट से डिसअपियर हो जाएगा, मार्केट से गायब हो जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि भाई कभी कोई चीज थी। ऐसी कई चीजें थी जो मार्केट से क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर आपने डीवीडीज देखी है, आजकल किसका जमाना है, आजकल पेन ड्राइव का जमाना है ना, किस चीज का जमाना है, पेन ड्राइव का जमाना है ना। और डीवीडीज हुआ करती थी सबसे पहले, डीवीडी स्टोरेज डिवाइस हुआ करते थे, ठीक है। तो देखी आप लोगों ने डीवीडी कभी, यस मैम, सीडी। हाँ, सीडी और डीवीडी कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो वो पहले होती थी स्टोरिंग डिवाइस होते थे, लेकिन अब उनकी जगह किसने ले ली, पेन ड्राइव की। तो अब हार्डली आप क्या डीवीडी खरीद के या सीडी खरीद के आप कभी डेटा स्टोर करोगे, नहीं करोगे। इवन लैपटॉप्स के अंदर सीडी और डीवीडी को इंसर्ट करने का वो जो स्लॉट होता है वो भी नहीं आता है। हाँ भाई, मेरे पास तो ऐसा लैपटॉप पिछले 10 सालों से नहीं है जिसमें क्या हो, डीवीडी डालें, सीडी डालें, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ करना भी है, बाई चांस पुरानी सीडी डीवीडीज है, तो आपको एक्सटर्नल सीडी और डीवीडी प्लेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और आपको अटैच करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं मार्केट से कोई चीज एक दिन गायब भी हो जाती है, बर्थ भी लेगी, चलेगी भी, कुछ उम्र जिएगा, उसके बाद उसको इट विल डिसअपियर और इट विल डाई, क्योंकि उसकी एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इवन लॉन्ग स्टेब्लिश प्रोडक्ट्स इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब वक्त के साथ साथ, हैव टू सी अ टाइम व्हेन दे डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। मतलब कितना भी वेल स्टेब्लिश मार्केट रहा हो, किसी जिसका कई चीज होती है, जिसका बहुत नाम होता है, जो बहुत बूम पर चलता है, लेकिन एक दिन उसको भी एक डिक्लाइन स्टेज देखनी पड़ती है। डिक्लाइन मतलब मार्केट में क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, या गायब ही हो जाता है, या गायब सा हो जाता है। और कई बार उसको फिर क्या करना पड़ता है, अगर उसको मार्केट में नया आना, वापस से आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा,
वापस से नए फॉर्म में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना आत्मा अमर है, यानी कि कहते हैं ना कई बार कि शरीर हमारी डेथ हो गई, बूढ़े हो गए, शरीर डेथ हो गई, 100 साल 150 साल जो जीना था जी लिया, और आत्मा जो है नश्वर है ना, या क्या बोलते हैं शरीर नश्वर है और आत्मा क्या अमर है, तो आत्मा दूसरा जन्म ले लेगी। तो इसी तरीके से अगर आपको मार्केट में आप आउट हो गए और यू वांट टू एंटर अगेन इन द मार्केट, तो आप क्या करोगे, यू विल एंटर विद अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आना है तो फिर वो रीबर्थ होगा। तो यानी कि कोई भी चीज जन्म लेगी, ग्रो करेगी, चलेगी, फिर उसकी डेथ हो जाएगी, तो यू विल कम टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करके जीरो पे आ जाओगे एक दिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, अब ये कहता है कि वाई शुड आई केयर अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स स्टेजेस, क्यों सोचना पड़ेगा, हमें क्यों सोचना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और स्टेजेस के बारे में नहीं सोचोगे, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तो क्या होगा, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस और वर्ड्स, उसके अच्छे के बारे में, उसके बुरे के बारे में, यू डोंट केयर अबाउट दैट, यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप टू फेलियर। अगर आप स्टेजेस के बारे में नहीं सोचोगे, उसके बर्थ ग्रोथ है ना और डिक्लाइन स्टेजेस जो भी होती है, चार स्टेजेस होती हैं, फोर स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के बारे में सोच के प्लान करके नहीं चलोगे, तो एक दिन डेफिनेटली आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे और मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश देयर इज नो सेट टाइम स्पैन ऑफ एनी प्रोडक्ट लाइफ स्पैन। हमको पता है, हमको नहीं पता, शुरू से ही नहीं पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, भाई 8 साल होगी कि 80 साल होगी कि 100 साल होगी कि 1000 साल होगी, हमें नहीं पता। वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट की स्ट्रेटेजी, आप किस तरीके से प्लान करके चलते हो, कि आपका प्रोडक्ट, आपका मार्केट, आपका लेबर, आपका मशीन, सबको प्लान करना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग, जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज प्लान करोगे तो प्रोडक्ट मार्केट में बना रहेगा। और कहीं भी प्लानिंग फेल होती है तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे बहुत फर्क पड़ता है। सो आपकी जो लाइफ, मतलब टाइम स्पेन का मतलब लाइफ साइकिल, ठीक है, या लाइफ, द ड्यूरेशन कुड बी मेयरली अ फ्यू मंथ्स और इट कुड लास्ट ओवर अ सेंचुरीज फॉर स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट होता है उसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, कुछ महीनों के लिए आया फिर गायब हो गया, ठीक है। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, अब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से है ना, आपने देखा होगा एलन वेलन नाम सुना होगा, या आपने आकाश नाम सुना होगा, ये इनकी लाइफ साइकिल क्या हो गई, बड़ी हो गई, ये कोटा से राजस्थान में आ गए या अदर सिटीज में भी जा रहे हैं, तो दे आर स्पेंडिंग, उनकी लाइफ स्पैन क्या है, बढ़ रहा है। और कुछ होती है छुटमुट, 1 साल चला, 6 महीना चला, बंद हो गया। तो डिपेंड करता है कि कोई चीज का लाइफ साइकिल बड़ा है कि छोटा है, ऑल डिपेंड्स, ठीक है। अब क्या होता है कि अपन को नेवर फॉरगेट दैट विद द इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब स्टार्टिंग और कंटिन्यूएशन, मतलब उसको लगातार चलाना है, तो इनिशिएशन कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ईच प्रोडक्ट, कंपनीज आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देयर कस्टमर मार्केट एंड कॉम्पिटिटर। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को शुरू से लेकर और चलाना है लॉन्ग टाइम तक मार्केट में स्टे करना है, तो कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, उनको लगातार अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, उस मार्केट को समझना पड़ेगा, और नए नए जो अपने कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं अपने साथ में मैच करते हुए प्रोडक्ट्स लेकर, उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई अगले की भी क्या है, अपोजिट पार्टी की भी रणनीति क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या उनकी डिजायर चेंज हो रही है, क्या हमारे प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, ये सारी तीन चीजें ये हमको समझनी पड़ेगी मार्केट में स्टे करने के लिए, ठीक है, बड़ा बड़ा तौर पर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ ठीक है, अभी प्रोडक्ट को हम समझ रहे हैं, इसके धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कि द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस होती है वो देखनी है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस मैनेजमेंट इज अ वास्ट रियल्म ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट विच इंटीग्रेट्स डेटा पीपल प्रोसेस एज वेल एज बिजनेस सिस्टम। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होती है, अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको समझनी है तो आपको कई चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, चाहे वो आपके ये तीन बड़ी चीजें, कस्टमर, मार्केट या कॉम्पिटिटर हो, ये तीन बड़े बड़े लेवल पर इसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें होती है, चाहे वो आपका डेटा हो, चाहे लोग हो, चाहे प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस हो, चाहे बिजनेस सिस्टम हो, कुछ भी हो यार, अगर आप इन सबको, इनका मैनेजमेंट करके नहीं चलोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, बढ़िया लाइफ साइकिल या लॉन्ग लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। मतलब लॉन्ग लाइफ का मतलब है कोई प्रोडक्ट है ना लंबे समय तक, खूब लंबे समय तक चलना चाहिए। ऐसे नहीं आज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ महीने बाद में वो प्रोडक्ट कोई पसंद नहीं करता तो मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। तो स्टेजेस जो है उसके लिए कई चीजें सोचनी पड़ती है, बड़ा बड़ा। अब ये स्टेजेस का एक खाना हमारे पास ग्राफ है, क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ है। देखो यहाँ पे हम सोचते हैं कोई भी प्रोडक्ट क्या है, लंबे समय तक चले, तो हमने यहाँ टाइम स्टेब्लिश किया और हमने यहाँ पे सेल्स एस्टेब्लिश किया। सेल्स का मतलब क्या है कि हाँ कोई चीज मार्केट में लॉन्च होगी, तो अगर मार्केट में लॉन्च होगी तो यहाँ पे पहला देखो स्टार्टिंग में
यहाँ पे क्या दिया है हमने, देखो इंट्रो, इंट्रो का मतलब क्या है कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, हमने एस्टेब्लिश किया मार्केट में, हम सोच रहे हैं कि हाँ कोई चीज हम मार्केट में क्या करेंगे, लाना चाहते हैं, कोई चीज, कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड हम मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि जब आप लॉन्च करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन स्टेज। और उसके बाद में इंट्रोडक्शन हो जाता है, लोगों को चीज पसंद आने लग जाती है, तो फिर हम उसको और उसका वैसा सामान बाजार में और बेचेंगे, तो यानी कि लोगों को पसंद आ रही है तो और बेचेंगे, तो हम ग्रो करने लग जाएंगे, तो हमारा सेल्स भी बढ़ने लग जाएगी, तो हमारा सेल्स का ग्राफ जो है ग्रोथ स्टेज पर आएगा। एंड ग्रोथ स्टेज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग है। देखा ना आपने, इंट्रो भी इंक्रीजिंग है लेकिन ग्रोथ भी क्या आपका इंक्रीजिंग है। उसके बाद में आप देखते हो कि नेक्स्ट स्टेज आएगी आपका मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी का जो ग्राफ है समथिंग लाइक स्टेबल है, उसको हम क्या कहेंगे, ना तो ये इंक्रीज है ना ये डिक्लाइंड है, मतलब ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ये स्टेबल हो गया है यहाँ पे। उसके बाद में डिक्लाइन का मतलब ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा ये समझना है कि जो दो स्टेजेस है उसमें अपन को सेल्स क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर रहे हो, ट्राई टू इंक्रीज, ग्रोथ में भी आपकी इंक्रीज होती है, मैच्योरिटी में आपकी स्टेबल हो जाएगी सेल्स, सेल्स हम सेल्स की बात कर रहे हैं, और फिर डिक्लाइन में क्या हो जाती है, आपकी सेल्स डिक्लाइन हो जाएगी, और डिक्लाइन होते होते हो सकता है एक दिन मार्केट से आप चले भी जाओ, आप गायब भी हो जाओ, आप बिल्कुल ही मार्केट ही आपका प्रोडक्ट ही गायब हो जाए मार्केट से, ठीक है। अब ये जो चार नाम सुने, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी और अपना डिक्लाइन, ठीक है, इनको हम थोड़ा डिटेल में लेने वाले हैं। अब देखो ये अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज है, सबसे पहले अपना कौन सा स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज है, नंबर वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर आपको ना, जब भाई कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आए, जैसे मुझे कोई वॉशिंग मशीन लेके आनी है, दुनिया में हजारों वॉशिंग मशीन है यार, मेरी क्यों खरीदेगा कोई, भाई मुझे कुछ ऐसे, मुझे अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से, मतलब इसकी क्या है, मेरा प्रोडक्ट है, मुझे अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब इसके फीचर्स ऐसे लाने चाहिए जो औरों से अलग हो, जो औरों से अलग हो, जो अभी तक की वॉशिंग मशीन्स में नहीं थे, अगर उससे अलग मैंने कुछ लाके दे दिया ना, तब तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा। तो प्रोडक्ट जो मशीन अगर मेरे को लाना है, ये मैंने एक प्रोडक्ट सोचा, तो सोच लिया, बना लिया और मैन्युफैक्चर करके उसको देख लिया, और वो उसको टेस्ट करके देखा कि हमने जो सोचा था वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो हो सकता है टाइम कम लगे। और मेरी वॉशिंग मशीन में मैंने एक आजकल एक ड्रायर नाम का जो एक चीज होती है, जब मैंने वॉशिंग मशीन खरीदा तो ठीक है, लेकिन जब ये मौसम, अभी कैसा मौसम है, अभी मौसम पूरी ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, ह्यूमिडिटी का मतलब रेनी सीजन है, रेनी सीजन में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, गीला गीला कपड़े नहीं सूखते, नहीं सूखते ना कपड़े, नहीं सूखते हैं, अगर सूख जाएंगे तो बारिश आके गीला कर देगी। तो एक मशीन, एक ड्रायर नाम की एक और मशीन आती है, जो मैं लेने गई तो उसने मेरे को कहा 24,000 या 25,000 का मिलेगा, यानी कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं, आपको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, है ना, कपड़े तो धुल गए लेकिन मशीन जो, वो कपड़े धुल तो गए लेकिन वो सूख नहीं रहे। तो एक ड्रायर नाम की मशीन आती है जो वॉशिंग मशीन जैसे दिखती है, उसमें डाला कुछ टाइम, उसको सेट किया और वो कपड़े ड्रायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मैंने एक वॉशिंग मशीन जिसमें ड्रायर मुझे अलग से खरीद, मतलब पहले हमने वॉशिंग मशीन मान लो मैंने इसको 30,000 का खरीदा, अब 30,000 तो मेरे कपड़े ही धुल रहे हैं लेकिन उसको सूखने के लिए ये 2-4 महीने, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो 25,000 रुपए मैंने अलग से खर्च किए, तो 55,000 रुपए मुझे लगते हैं तो मेरा काम चलता है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें ड्रायर इनबिल्ट हो, क्या हो, जिसमें ड्रायर इनबिल्ट हो, फिर मैं उसको लॉन्च करूं, ठीक है। और समझ रहे हो आप, ऐसी ऐसी चीज मैंने सोची और अब मैं इसको मार्केट में लॉन्च करना चाहती हूँ। तो लॉन्च करना है तो ये मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है मुझे मार्केट के अंदर, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज है। और यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपके मार्केट के अंदर आपको बहुत मार्केटिंग करनी पड़ती है भैया, लोगों को बताना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट है वो सबसे अलग है, उसकी बहुत सारी, आप देखते हो जियो ने कितना ऐड किया था, बहुत ऐड किया था, कुछ अलग भी था उसका इंटरनेट, औरों के इंटरनेट से बहुत फास्ट है, क्विक है, नॉन स्टॉप है, हैवी डेटा है, फ्री डेटा है, कितना उसने ऐड किया। तो यहाँ पे मुझे भी अगर ऐड करना है तभी तो मैं हैवी ऐड करूंगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता मेरे प्रोडक्ट में क्या खूबियां हैं, बहुत है, हजारों मशीन है, मेरी क्यों खरीदेगा कोई। तो मार्केटिंग से मैं बताऊंगी कि मेरी चीज बिल्कुल अलग है, ठीक है। प्रमोशंस करने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज पे, आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रमोशंस करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को
मार्केट में लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब इस स्टेज पे क्या होता है, आपकी सेल्स टेक ऑफ करती है, जैसे फ्लाइट क्या करती है, टेक ऑफ करती है, लैंड करने के बाद धीरे धीरे टेक ऑफ करती है, ठीक है, फिर ऊपर आसमान में बादलों के ऊपर उड़ती है, क्या आपकी फ्लाइट। उसी प्रकार से आपका प्रोडक्ट क्या करता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप लोगों को बताने लगते हो, लोग समझने लगते हैं, लोग उसको यूज करने लगते हैं, तब थोड़ा थोड़ा टेक ऑफ होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा खरीदने लगते हैं। लेकिन टेक ऑफ आपका क्या है, थोड़ा स्लो होता है, क्या होता है, एकदम से शूट नहीं कर जाएगा रॉकेट की तरह आपका सेल्स कि भैया लो ये रॉकेट उड़ गया सेल्स का, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो सेल्स क्या करा, टेक ऑफ करती है, धीरे धीरे आपकी बढ़ने लगती है, लोग जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है, और बट दैट्स फाइन, और ऐसा ठीक भी है, ऐसा ही होता है सबके साथ में, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं इस स्टेज के ऊपर, वी आर क्रिएटिंग कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर की अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कमाना मुद्दा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आप कमा ही नहीं सकते, आपके सेल्स ही नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से आएंगे, सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स तो अभी हल्का हल्का आने लगी है, लोग जानने लगे हैं थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा हम सेल्स करने लगे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। और इसमें क्या होता है, हेवी इन्वेस्टमेंट, द की वर्ड इज ए हेवी इन्वेस्टमेंट, इसमें आपके क्या होते हैं, हेवी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि शुरू में हमने किसी चीज को, मैंने भी वॉशिंग मशीन बनाना है तो मुझे भी बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़े, है ना, बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ी, लेबर्स लाने पड़े, मेरे को एक बड़ा सा स्पेस लेना पड़ा, फैक्ट्री लेनी पड़ी, स्पेस लेना पड़ा, है ना, तो मैंने हेवी रेंट्स पे किए या लीज पर लेना पड़ा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या हैवी इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पैसा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन सेल्स तो अभी कहाँ होगी, सेल्स तो जानेंगे लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है क्या बच्चों, हाँ। और इसी स्टेज पर हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट टेस्ट हो जाता है, क्योंकि लोग समझने लगते हैं, तो आफ्टर टेस्टिंग मतलब हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट यहीं पर टेस्ट होने लग जाता है और पसंद आने लगता है, तो मार्केट में क्या होता है, आफ्टर टेस्टिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे मार्केट में घुसने लगता है, तो प्रोडक्ट एंटर्स इनटू मार्केट, आपका प्रोडक्ट इस स्टेज पे एंटर करने लगता है, तो प्रोडक्ट एंटर्स इन द मार्केट लिख लेता है, प्रोडक्ट एंटर्स इन द मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करने लग जाता है। तो आपको यहाँ पे अगर कोई पूछे इंट्रोडक्शन स्टेज है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो कीवर्ड्स है वो आपको पता होने चाहिए कि मार्केटिंग है, प्रमोशंस करने पड़ते हैं, हेवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और प्रोडक्ट एंट्रेंस करता है प्रोडक्ट का, और अवेयरनेस इन द क्या कस्टमर्स में हमको अवेयर, और सेल्स क्या है, ऑफ कोर्स सेल्स टेकिंग ऑफ, सेल्स आर वेरी लो, तो लो सेल्स होती है, क्या होती है यहाँ पे, लो सेल्स होती है। और क्या कहता है, गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है कि लिटिल टू नो कॉम्पिटिशन। अरे भैया अभी तो मैंने इस वॉशिंग मशीन को विद इनबिल्ट फीचर ऑफ ड्रायर एंटर किया है, अभी मेरा कोई कॉम्पिटिशन, अरे मेरे को कोई जानता ही नहीं है तो कोई मुझसे कॉम्पिटिशन क्यों करेगा, कॉम्पिटिशन तो तब करेंगे ना जब मुझे जानेंगे मेरी चीज के बारे में। और बैड न्यूज क्या है, तो गुड न्यूज क्या है कि लिटिल या नो कॉम्पिटिशन, बैड न्यूज क्या है कि भाई डिमांड ही नहीं है, क्योंकि इतनी हार्डली एनी डिमांड, मतलब अभी तो टुच्चे मुच्चे कस्टमर होते हैं, थोड़े थोड़े कस्टमर जानने लगे हैं, तो हार्डली एनी डिमांड, शुरू में तो आपको क्रिएट करनी है, अभी तो यू हैव टू क्रिएट द डिमांड, समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है बच्चों, इंट्रोडक्शन स्टेज पहली स्टेज है। साइकिल हैक मतलब क्या चीज मेन है, डोंट बी अफ्रेड कि आपको हैक्स, मतलब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि भाई एक तो डोंट अफ्रेड टू इन्वेस्ट इन कस्टमर टेस्टिंग, भाई कस्टमर के टेस्ट को, यानी कि मार्केट सर्वे करना, यू हैव टू इन्वेस्ट इन कस्टमर टेस्टिंग, मतलब मार्केट में सर्वे करो कि यार मार्केट में हमने फ्री में भी सैंपल्स बांटते हैं, हम डेमोज भी देते हैं, हम सेमिनार्स भी लगाते हैं, हम शोज भी करते हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी मूवी बनती है तो हमको यही करना पड़ता है ना, कितना ज्यादा वो क्या करते हैं, मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं, उसकी प्रमोशंस करते हैं, तभी तो मूवी बिकेगी करोड़ों में, है ना, यही स्टेज जो होती है यहाँ पे आपको। अच्छा यहाँ पे रिसर्च करने से मत डरो, यहाँ पे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब मार्केट रिसर्च का डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मत डरो, मार्केटिंग एफर्ट यानी कि मार्केट में लॉन्च होना है तो प्रमोशंस मार्केटिंग करने से मत डरो, सो यू हैव टू डू दिस, इस स्टेज पे आपको ये करना ही करना पड़ेगा, इनके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो इंट्रोडक्शन स्टेज ये होता है, एक तरीके से यहाँ पे जन्म ले रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, ठीक है। एक बार जन्म लेने के बाद में बच्चा जन्म हो गया तो बच्चे बढ़ने लगते हैं ना, तो ग्रोथ हमारी सेकंड स्टेज है, ग्रोथ इज आवर सेकंड स्टेज। तो ग्रोथ इज सेकंड स्टेज क्या कहता है, इसमें आपकी जो सेल्स है वो शूट अप, सेल्स मतलब बढ़ जाती है, देखा आपने जैसे शूट अप लिखा है, यहाँ हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था स्लो
आपका स्लो है, लेकिन यहाँ पे शूटअप, शूटअप रियली सबसे हाई होता है। हाँ जी भैया, आप सेल्स देखो, आपके सेल्स का हाई लेवल ग्राफ कहाँ जा रहा है, सबसे ग्राफ सबसे ऊंचा कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे तो हमने कहा ग्राफ आपका स्टेबल है, लेकिन यहाँ आपका ग्राफ क्या करा, एकदम शूट किया, राइट? सबसे हाई एरो यही जा रहा है। ग्रोथ स्टेज पे क्या रहा है आपका, सेल्स शूटअप करती है, और ग्रोथ मतलब यू आर ग्रोइंग, योर कंपनी कैन स्टार्ट टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि आपकी जो कॉस्ट आपने इनकर की है, और उस कॉस्ट की वजह से जो आपकी जो जो प्रॉफिट्स है, यानी कि आप जो कॉस्ट इनकर करते हो उसकी वजह से आप सेल्स कर पाते हो, उसकी वजह से जो आप प्रॉफिट अर्न कर पाते हो सेल्स, क्योंकि सेल्स बहुत हाई हो गई है, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होंगे। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होंगे तो कॉस्ट क्या होगी उसके मुकाबले, मतलब जो कॉस्ट पहले हैवी कॉस्ट थी, हैवी कॉस्ट जो है यानी कॉस्ट पर यूनिट आपकी यहाँ पे कम आने लगेगी, क्या आने लगेगी, कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम आने लगेगी और प्रॉफिट पर यूनिट आपका इंक्रीज होने लग जाएगा, बिकॉज आपकी कॉस्ट और आपके सेल्स में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अगर आपके शुरू में आपके पहला वाला स्टेज था, जो पिछली वाली जो आपकी स्टेज थी, यानी कि आपकी जो इंट्रोडक्शन, या आपकी आपकी कॉस्ट जो लगी थी, तो सेल्स उससे ज्यादा, सेल्स या तो इसके बराबर है या सेल्स उससे हल्की सी ऊपर है, तो यू नो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब आप प्रॉफिट सेविंग समझो, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इतना, लेकिन यहाँ पे आपका गैप कितना है, यहाँ पे आपका गैप जो है आपका इन्वेस्टमेंट से बहुत ऊंचा आपका प्रॉफिट जा रहा है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स क्रिएट हो रही है, यानी कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी राइज हो रही है, हो रही मतलब यू एंजॉय, ठीक है। ग्रोथ स्टेज आपकी क्या क्या चीज बढ़ती है, आपकी सेल्स बढ़ती है, सेल्स का अल्टीमेट मतलब प्रॉफिट बढ़ता है, किस स्टेज पर बढ़ने लगता है, ग्रोथ स्टेज पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे और क्या कहती है कि इसके अंदर इट इज हियर दैट सिमिलर अदर न्यू प्रोडक्ट्स बिगिन टू अपीयर इन द मार्केट। एक बार आप मार्केट में एंटर कर गए, लोगों को कॉम्पिटिटर्स को पता लगने लग गया, अच्छा जी आप आयो विद ड्रायर, अच्छा ठीक है रुको, वॉशिंग मशीन तो हम भी बनाते हैं, एक टेक्निक हम भी जोड़ते हैं, तो वो लोग भी अब है ना एक नया फीचर इनबिल्ट करने लगेंगे, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, वो लोग पीछे रह जाएंगे, तो उन लोगों को भी क्या करना पड़ता है, सिमिलर प्रोडक्ट्स मेरे कॉम्पिटिशन में आने के लिए उनको भी वो फीचर्स अपने उसमें इनबिल्ट करने पड़ रहे हैं, किसको, मेरे कॉम्पिटिटर्स को। तो सिमिलर अदर न्यू प्रोडक्ट बिगन टू अपीयर इन द मार्केट एज सब्स्टिट्यूट, वो मेरा सब्स्टिट्यूट जनरेट करेंगे और वो मुझे कॉम्पिटिशन देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको भी तो जीना है, नहीं तो उनका डिक्लाइन स्टेज आ जाएगा और मेरा ग्रोथ स्टेज चलेगा। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरी कंपनी के मैनेजमेंट को ट्राई करना पड़ेगा, अच्छा should try to change its approach by changing its strategy from buy my product and try my product, buy my product to try my product। इसके ऊपर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है आपके सीएमए के अंदर कि ना जून 2018 में एक क्वेश्चन बन चुका है इस वाली पंचलाइन पर, ये जो आपकी पंचलाइन है ये buy my product to try my product, इसके ऊपर जून 2018 में क्या बना है, इसमें क्या बनाया, मैं एक वो क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। इस तरीके से उन्होंने पूछा है कि जैसे ऐसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से मतलब हमने ऐसे पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू चेंज इट्स अप्रोच By changing strategy from buy my product to try my product। एक क्वेश्चन बना है, एक ही मार्क का है, वन मार्क क्वेश्चन है, लेकिन बना है कि इन्होंने ये एक पंचलाइन दे दी, फिर उसमें वो ऑप्शन देता है ऑब्जेक्टिव में कि एक इंट्रोडक्शन स्टेज है, एक हमारी ग्रोथ स्टेज है, और सी हमारा मैच्योरिटी स्टेज है, ठीक है, और डी हमारा डिक्लाइन स्टेज है, ठीक है, डिक्लाइन स्टेज। तो आपका किस पे टिक लगाओगे बताओ, बी बी बी, क्यों इसमें इसलिए टिक लगाएंगे, देखो इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे जब इंट्रो स्टेज थी ना कोई हमको नहीं जानता था, तो आप बोल रहे थे प्लीज बाय माय प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे मेरी पंचलाइन क्या रहेगी, बाय माय प्रोडक्ट, लेकिन जब मुझे सब जानने लग गए तभी तो मेरी सेल्स इंक्रीज हुई, तो मैं कहूंगी अच्छा ट्राई माय प्रोडक्ट,
यहाँ पे मैं कहूंगी ट्राई माई प्रोडक्ट, फिर पता चलेगा आपको कि मैं कितना अलग हूँ। यहाँ मैं कह रही हूँ प्लीज बाय माई प्रोडक्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। ट्राई माई प्रोडक्ट थोड़ा एटीट्यूड है मेरे में कि ट्राई तो करके देखो तभी पता चले तुम्हें क्या है मेरी चीज, ठीक है। ट्राई माई प्रोडक्ट तो समझ में आ गया। ग्रोथ स्टेज में हम क्या कहेंगे? ट्राई माई प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, योर स्ट्रेटेजी। तो आपने समझ में आ गया ये लाइन जो है ऐसे कैसे, मैं यही बोलती हूँ इस चैप्टर में ना ये पंचलाइन, सॉरी इस चैप्टर में ना एक पंचलाइन दे देगा और उस टैगलाइन पंचलाइन जो भी आपको देगा, जैसे ये लाइन बोल दी इसने, आप देख रहे हो ये लाइन, द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू चेंज, ये देखो ये लाइन एग्जाम की लाइन है, मैनेजमेंट शुड ट्राई टू चेंज इट्स अप्रोच बाय चेंजिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। ये लाइन ऐसे कैसे उठा के दी इसने, फिर उसने ऑप्शन दिए। अब आप बताओ ये लाइन जो है कौन से स्टेज में फिट हो रही थी, तो आपने बोला ये ग्रोथ स्टेज में फिट हो रही थी। समझ में आया? ये जून 2018 में 1 मार्क का ही था, चाहे 1 मार्क, अरे एवरी मार्क इज इम्पॉर्टेंट, ईच मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं फिर आगे कि एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर द डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट इज लाइकली टू गेट कम्प्लीटेड, मतलब आप अपना मार्केट में अब आ गए हो, ग्रो कर रहे हो, तो आप क्या करोगे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट का, हाँ, आपके प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है एंड द प्राइसेस भी कंप्लीट हो चुकी है, इफ नेसेसरी आर रिड्यूस्ड अ लिटिल। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको और ज्यादा मार्केट में भाई 1000 पीस बिक रहे थे, 1500 बेचने, तो थोड़ा प्राइस को हम क्या कर सकते हैं, लिटिल बिट कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब साइकिल हैक मतलब क्या आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपको ध्यान एक ही चीज रखनी है ना कि देयर इज अ टाइम टू इन्वेस्ट फर्दर इन द प्रमोशन एक्टिविटीज सो दैट यू कैपिटलाइज ऑन द लुक्रेटिव ग्रोथ स्टेज एज मच, क्योंकि ये आपके लुक्रेटिव का मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो अभी, है ना, अभी पैसा आपने मतलब आप इंक्रीज लेवल पर हो, मतलब इंक्रीज में इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स है, इंक्रीजिंग ग्रोथ है, ग्रो कर रहे हो तो प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। तो अब आप ये क्या चाहोगे कि भैया ठीक है ग्रो कर रहे हैं ना, थोड़ा और एफर्ट्स मारे, और प्रमोशन करो, और एडवर्टीजमेंट करो, ताकि हम क्या करें शूटअप करें, और शूटअप करें, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में जितना ग्रो, क्योंकि अभी अभी आप लोग CMA कोर्स कर रहे हो, एट विच स्टेज यू थिंक यू आर, बताओ आप बताओ कौन से स्टेज पर हो, यू आर डूइंग सी, यू आर इन इंट्रो, यू आर इन ग्रोथ, यू आर इन मैच्योरिटी, और इन डिक्लाइन, बताओ। ग्रोथ, ग्रोथ स्टेज पर हो, ग्रोथ स्टेज पर क्यों हो बताओ, आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि अब मैंने क्यों कहा ग्रोथ, क्योंकि इस लेवल पर आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि भैया आपने इतना पैसा लगा दिया है तो आप और मेहनत करो, ठीक है, सो डेट आप क्या हो जाओ तैयार हो जाओ, ठीक है, तैयार हो जाओ इसके लिए, CMA बन जाओ, ठीक है, तो यू आर ग्रोइंग, ठीक है, सो डू हार्ड एंड हार्ड वर्क, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना सेकंड स्टेज, ग्रोथ स्टेज खत्म हो गया। उसके बाद में ग्रोथ के बाद में अगर ग्राफ वापस से देख लो, ये ग्राफ कैसा दिखता है आपको, ये सबसे लंबा कर्व है ना, इसके बाद का कर्व देखो आप, मैच्योरिटी कर्व कैसा है आपका, मैच्योरिटी कर्व कैसा है यहाँ पे, ऐसा नहीं लगता मतलब स्टेबल बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेबल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आप ऐसे इस पिछले वाले ग्राफ की तरह से ना एरो ऊंचा नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप रुक से गए हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप रुक से गए हो, ठीक है, तो सैचुरेशन पीरियड आ जाता है, रुक एक जगह रुक से जाते हैं, ऐसा लगता है बस, ठीक है, मतलब हमने बहुत कोशिश की है, ये हमारा हाईएस्ट लेवल है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, मतलब इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, तो दिस इज द हाईएस्ट, ये पीक है, कॉन्स्टेंट, हाँ पीक है, एक स्टेबल हो गया, यहाँ पे आप आके एक तरीके से काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट हो जाते हो, बिल्कुल सही है, तो ये कॉन्स्टेंट हो जाते हो कहाँ पर, मैच्योरिटी में, आप बताओ जवानी है यू आर, मतलब आप बहुत यंग हो गए, कौन से स्टेज तक, कौन सी उम्र तक आप अपने आप को जवान मानते हो, उसके बाद में डेफिनेटली कैसे हो जाते हो, ओल्ड एज में आने लग जाते हो ना, होने लगता है ना, कहते ना वो कौन सा बॉर्नविटा, बढ़ती उम्र 30 के बाद में हड्डियां कमजोर हो जाती है, बॉर्नविटा पियो, देखा नहीं, सुना तो मतलब वो कहना चाहते हैं 30 तक जवान हो, उसके बाद हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, बाल कमजोर होने लग जाते हैं, बाल सफेद आने लग जाएंगे, ये पियो, नहीं तो आपका डिक्लाइन तो है ही है, समझ रहे हो, और यंग बने रहने के लिए ये खाओ, वो प्रोटीन पाउडर, ये वो, समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे वो, यहाँ पे जो बेचते हैं हम चीजों को, यहाँ पे क्या क्या बेचते हैं, बढ़ते बच्चा, देखा आपने, कॉम्प्लेन का ही आता है क्या यहाँ पे, नहीं समझ में आया, बच्चा बढ़ रहा है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक दूसरा ऐड आता है कि आप बूढ़े नहीं होना चाहते तो ये पियो। तो अब ये स्टेबल एज को वापस हम थोड़ा सा पीछे जाके वापस देखते हैं, स्टेबल एज क्या कहता है या मैच्योरिटी एज क्या कहता है या मैच्योरिटी स्टेज क्या कहता है। देखो यहाँ पर हम लोग आ गए थर्ड पर, आ गए हम लोग थर्ड पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैच्योरिटी स्टेज इज वेयर सेल्स ग्रोथ रेट स्लो डाउन अ टैड, मतलब स्लाइटली, ग्रोथ रेट क्या हो गई यहाँ पे, थोड़ी सी
क्या हो रही है, स्लो डाउन, हाँ स्लो डाउन हो गई है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, हमने अपना पीक देख लिया, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, तो दिस इज द पीक, तो ग्रोथ रेट आपकी स्लो डाउन हो जाएगी स्लाइटली, मतलब कम, थोड़ा सा कम हो जाएगी, एंड इवेंचुअली स्टेबलाइजेस टू स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे या स्टेबल हो जाएंगे विद द मार्केट सैचुरेशन, मतलब एक मार्केट सैचुरेशन आ जाएगा, यानी कि मार्केट, जैसे मान लो एग्जाम्पल में, जैसे इफ ए कस्टमर स्टॉप्स कमिंग टू वन रेस्टोरेंट ड्यू टू न्यू वन ओपन्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब आपका एक रेस्टोरेंट चलता था, बहुत चलता था, और मतलब पीक पे चलता आपका रेस्टोरेंट, ठीक है, वहीं पे आते हैं सब सेठ लोग, सीएम लोग, सब लोग, बड़े लोग, सब लोग आते हैं, तो वो पीक पे चल रहा है, लेकिन एक नया कॉम्पिटिशन देने वाला, उसने वो भी एंटर कर चुका है, कब, जब आप ग्रोथ स्टेज में थे तब वो भी आया, अब लोग सोचते हैं यार उधर भी ट्राई कर लें, उधर भी ट्राई कर लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेचुरेशन आने लग गया ना, हल्का सा आपका हल्का हल्का डाउन हो गया, क्योंकि आपके कुछ कस्टमर टूट के इस जगह से दूसरी जगह पर जाने लग गए, तो सेचुरेशन मैच्योरिटी स्टेज में थोड़े कस्टमर हल्के फुल्के टूट रहे हैं, हल्का फुल्का प्रॉफिट भी कम हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यू विल लुक अराउंड एट दिस स्टेज एंड नोटिस इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटर्स एंटरिंग द मार्केट, क्योंकि आपको हर कोई हमेशा ही पैसा कमाने देगा ऐसा नहीं होगा, आपको देखकर दूसरों को भी एक मोटिवेशन आता है, तो वो कॉम्पिटिशन देता है, दे आर मोटिवेटेड विद योर मनी, योर प्रॉफिट, की यार आप पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस आर वेलकम, इस स्टेज पर आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं ना, लोग थोड़े टूटने लग रहे हैं, तो प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दो ताकि वापस से आपके पास आ जाए, इम्प्रूवमेंट कर दो उसके अंदर, ठीक है, वेलकम मतलब इसी स्टेज पर कर लो, बट यू मस्ट इन्वेस्ट केयरफुली इन एनी मार्केट, मतलब पैसा तो इन्वेस्ट ध्यान से करना पड़ता है, वीकर प्लेयर्स ऑफन एग्जिस्ट द गेम एट दिस पॉइंट, लेकिन अगर आपने यहाँ पर अगर इस स्टेज को मेंटेन, मैच्योरिटी स्टेज पर अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए ना, ये मैच्योरिटी स्टेज लंबे वक्त तक नहीं चलने वाली, आप देखो आपका ये जो स्टेज है ये लंबे वक्त, चलो अभी देख के आए वैसे भी, लंबे वक्त तक ये स्टेज नहीं चलने वाली, इसका शॉर्ट स्पैन होता है, क्योंकि पीक जो होता है ना, पीक किसी भी चीज का जो ग्रो करते हुए एक लंबा टाइम, लेकिन पीक जो होता है ना, पीक जो होता है वो कम वक्त के लिए रहता है, उसके बाद में यू स्टार्ट टू डिक्लाइन, पीक स्टेज फॉर लेसर पीरियड, कम पीरियड के लिए, ये पीरियड जो होता है डेट कैन बी अ लॉन्गर, बट दिस पीरियड इज फॉर लेसर टाइम, एंड दिस पीरियड कैन बी लाइक, आप तो कभी भी वैनिश कर जाओगे, गायब हो जाओगे, ठीक है, तो सोच समझ के पैसा लगाना, क्योंकि ये स्टेज सबसे क्रूशियल स्टेज है, ठीक है, ठीक है, ये मेंटेन करना है, क्योंकि देखो एक बार किसी बच्चे के 95% आ गए तो वो 95% को मेंटेन, मतलब वो पीक बनाता है, अगर कोई बच्चा उसका 95% पीक है, तो 95 से नीचे लाएगा तो उसको हम बोलेंगे इज अ डिक्लाइनिंग, है ना, या वो उसके पीछे था, ठीक है, तो वो ग्रो करेगा, तो वो 95 से ऊपर जाना चाहेगा, तो ये जो स्टेज है ये बनाना सबसे क्या है, डिफिकल्ट है, क्रूशियल है, सो यू इन्वेस्ट हेयर, बिकॉज कॉम्पिटिटर से भिड़ने के लिए आपके भी हाथों फूलेंगे कि आपको टक्कर देने के लिए कोई आया है, अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ टू क्लियर ऑल दीज स्टेजेस विद अ गुड गुड वेरी बेस्ट एग्जाम्पल, अभी देखेंगे, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, तो बट यू मस्ट इन्वेस्ट केयरफुली इन एनी मार्केट अंडरटेकिंग, वीकर प्लेयर्स, यहाँ से वीकर प्लेयर्स अगर इस पोजिशन को मेंटेन नहीं कर सके तो दे विल गेट आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है, और थोड़ा पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग दिस स्टेज मैन्युफैक्चरर्स इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स, इसी स्टेज पे हमको नए मॉडल्स, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन कट थ्रोट मतलब गला काट कॉम्पिटिशन होने लग जाएगा, सो भाई अब आप सोच लो अब आपको कैसे एग्जिस्ट करना है, नहीं तो डिक्लाइन स्टेज तो आपके बुढ़ापा तो सामने खड़ा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स, अडॉप्ट न्यू मेथड्स टू ट्रेड इन, मार्केट में ट्रेड करने के लिए, टू प्रमोट द सेल ऑफ देयर ब्रांड्स, यहाँ पे आपका ब्रांड भी क्रिएट हो जाता है, तो ब्रांड को मेंटेन करने के लिए, पोजिशन को मेंटेन करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, यहाँ पर द नंबर ऑफ बायर्स विल कंटिन्यू टू ग्रो बट मोर स्लोली, यहाँ पे अगर बायर आएंगे भी बट उस स्टेज पे नहीं आएंगे, जैसे ग्रोथ स्टेज पे लेवल ऑफ नंबर ऑफ बायर्स वर इंक्रीजिंग लाइक शूट अप कर गए थे, लेकिन यहाँ शूट अप करेंगे नहीं, ग्रो हो भी सकते हैं और डिक्लाइन भी हो सकते हैं कॉम्पिटिशन की वजह से, ग्रो कब होएंगे अगर आपने न्यू मॉडल्स न्यू मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, तो नंबर ऑफ बायर्स डेफिनेटली ग्रो करेंगे बट स्लोअर रेट पे ग्रो करेंगे, समझ में आ रहा है, अरे इधर मैंने आपको दो चीजें बता दी जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, कि भैया आपके जो कस्टमर है वो डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन था तो डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन इसी स्टेज पर इंक्लाइन भी करेंगे, इंक्रीज भी करेंगे, लेकिन अगर आप उस अपने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर दो, समझ में आ रहा है, नया स्टाइल जोड़ दो, तो मेरा ड्रायर के साथ मुझे अब कुछ और जोड़ना पड़ेगा, मतलब ऐसी मशीन लाऊं कि मेरे कपड़े जब सूखे ना तो उनमें बहुत सारी सलवटें ना हो, ड्रायर तो हो लेकिन अब उनमें सलवटें ना हो या आयरन करने की जरूरत ना पड़े इस तरीके से, तो
ये एक नया मेथड मैंने उसमें जोड़ दिया तो बायर विल कम बैक टू मी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, और यही पर क्या होता है, दिस इज अ स्टेज वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, सप्लाई क्यों बढ़ गई, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है ना, कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है, और हमने भी कुछ मॉडिफिकेशन करके मार्केट में क्या करा, प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया या रीडिजाइन करके अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करी, तो सप्लाई बढ़ गई और डिमांड उतनी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर कोई पूछ ले कि किस स्टेज पर सप्लाई ज्यादा होती है, ये बताओ मुझे, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, बताओ। अगर कोई एग्जाम में पूछ ले वर्मा का, इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, नहीं पता, नहीं सुना आप लोगों ने, मैच्योरिटी स्टेज पर, ठीक है, स्टेज होगा मैम, हाँ ठीक है। यहीं पर हम अपने ब्रांड का डिफरेंशिएशन दिखाते हैं, मतलब हमारा ब्रांड दूसरे ब्रांड से टोटली डिफरेंट है, ये हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा, फीचर्स का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं टू स्टे इन द मार्केट, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, मैच्योरिटी समझ में आया, आ गया हो। मैच्योरिटी के बाद में लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज इज आपका डिक्लाइन स्टेज, नीचे गिरता हुआ बुढ़ापा, ठीक है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर द मार्केट विल स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, मतलब प्रोडक्ट फॉर द मार्केट विल स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, मतलब आपको क्या करेंगे, आपको कम कस्टमर मिल रहे हैं, प्रोडक्ट कम बिकेगा ड्यू टू मार्केट सैचुरेशन और इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी, नए नए आगे, तो आपको, क्योंकि आपने एडवांसमेंट नहीं किया, आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर रीडिजाइन नहीं किया, तो आपको कौन पूछेगा, फिर तो दूसरों को ही पूछेंगे, तो डिक्लाइन आ गया उसके लिए, ठीक है। दिस स्टेज इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल है, ये स्टेज अनअवॉइडेबल है, कभी ना कभी ये स्टेज आती है, बट बिजनेसमैन कैन स्टिल मेक प्रॉफिट इन इट, कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, जो भी है उसको बेच बाज दिया तो प्रॉफिट बन जाएगा, नहीं बेच पाए तो फिर ठीक है, लॉस तो है ही है। एट द फाइनल स्टेज ऑफ डिक्लाइन प्रॉफिट मार्जिन टच ए लो लेवल, यहाँ पे सबसे कम प्रॉफिट कमाते हैं, ये लाइन पे पूछे कि कहाँ पे सबसे लो लेवल प्रॉफिट होता है, तो डेफिनेटली डिक्लाइन में होता है। कॉम्पिटिशन बिकम सिवियर, इतना सिवियर हो गया है कि करे तो क्या, रातों को नींद नहीं आती है। कस्टमर्स स्टार्ट यूजिंग न्यूअर बेटर प्रोडक्ट, कस्टमर भाग रहे हैं। इट इज अ हेयर डेट स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड्स इन नेचुरल बट हार्ड एंड, यानी कि अब तो स्टोरी खत्म हो गई, हार्ड एंड, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर हम आपको एग्जाम्पल में पूछ लें कि जैसे यहाँ पे, तो मैंने इस पर डिक्लाइन स्टेज में तो पहले ही एग्जाम्पल दे दिया था, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जैसे डीवीडीज हैं, है ना, जैसे आपके पुराने ओल्ड टीवीज नहीं होते थे स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गए, वो आप मार्केट से खत्म हो गए, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर्स भी खत्म हो गए, ठीक है, और बॉक्सेस फॉर्म में था, फ्लैट टीवी स्क्रीन आ गया, बहुत जितना फ्लैट जितना स्लिम टीवी आ गया, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है डिक्लाइनिंग स्टेज का, ठीक है। और अगर हम मैच्योरिटी स्टेज पर आए तो मैच्योरिटी स्टेज का एग्जाम्पल छोटा मोटा यहाँ देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कोको कोला, जो चीज क्या कर रही है, बहुत अच्छे हाई लेवल पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो क्या अपना कोको कोला, एलईडी टीवीज, हाँ अरे मैं स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ, ठीक है, कोका कोला है, ठीक है। और अगर हम ग्रोथ स्टेज की बात करें तो एक एग्जाम्पल ग्रोथ स्टेज का भी हमें पता होना चाहिए, तो ग्रोथ स्टेज पर क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, मतलब ग्रोथ स्टेज का एग्जाम्पल बताओ, वो कुछ लगता है, जैसे हमने अपने, आपको पता है टेस्ला कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स निकाल दिए, पता है क्या आप लोगों को, इलेक्ट्रिक कार्स, अरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आप देख रहे हो, और आपके घरों में किसी ना किसी के फ्रेंड्स के रिश्तेदार के होंगे, या आपके पास में भी होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो तो आप लोगों का होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स, कार को रिचार्ज करा और वो सुबह चलाओ, तो टेस्ला ने निकाला है, ठीक है, टेस्ला कार्स ने, तो इलेक्ट्रिक कार्स, तो वो ग्रोथ स्टेज पर है, ठीक है। किस स्टेज पर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स हर कोई नहीं निकाल रहा है, सब पेट्रोल डीजल की निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स एक नए, अपने आप पे एक नई चीज नहीं है क्या, ठीक है कि नहीं, नहीं समझ में आया, आ गया मैम। और इंट्रोडक्शन तो कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज को तो क्लियर करता ही है। अब ये आपके चार स्टेजेस होने के बाद में, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो मारुति का नाम हर किसी को पता है। अब ये जो अपनी मारुति की लाइफ साइकिल देखो, आपको मजा आ जाएगा, ये पूरा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोलता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, विच कंटिन्यूज टू थ्राइव ओवर 100 years, मतलब इसे 100 साल से भी ऊपर का जीवन जिया है, किसने, मारुति ने विद इन द इंडस्ट्री देर आर काउंटलेस प्रोडक्ट्स, और इसने मारुति ने सिर्फ मारुति की एक ही मॉडल निकाला कि कई मॉडल्स निकाले, बहुत सारे मॉडल्स निकाले हैं, ठीक है, और उन सबको किसी ना किसी साइकिल से गुजरना पड़ा है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुजुकी मारुति 800 आपने एग्जाम्पल लिया, जब ये मार्केट में आया था पहली बार तो 1983 में ये मार्केट आया, ये प्रोडक्ट आया था मारुति, मारुति कार का, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे ये मारुति लाइफ साइकिल स्टेजेस देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मारुति 800 जो थी वो मार्केट में सबसे सबसे सस्ती कार थी जब ये आई थी 1983 में। सबसे सस्ती कार जो थी वो अपनी क्या थी, मारुति 800 थी, 1983 में आई थी। और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई में, क्योंकि देखो कोई जानता नहीं होता है तो उस वक्त हम डिमांड ज्यादा करते हैं लेकिन सप्लाई, डिमांड तो नहीं होती लेकिन सप्लाई हम देना चाहते हैं, तो ह्यूज गैप था क्योंकि लोग जानते नहीं है तो डिमांड कहां से क्रिएट होगी, ठीक है। और ये अपना इंट्रोडक्शन स्टेज का एक एग्जांपल है, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज का एक एग्जांपल है। फिर मारुति 800 जो है, व्हेन इट वाज अंडर इट्स ग्रोथ स्टेज, व्हेन इट एंश्योर्ड अबाउट पीपल्स एक्सपेक्टेशंस एंड मैच देयर प्रॉमिसेस, मतलब मारुति ने जब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी और उनकी प्राइस उसको चलाकर उनको अच्छा लगा तो उनकी उनके और उनके जो प्रोमिसेस है उनको फुलफिल किए तो वो ग्रोथ स्टेज पर आ गई, ठीक है। यहाँ पे उसकी ग्रोथ क्या होने लग गई, प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, उसकी सेल्स बढ़ने लग गई, उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होने लग गए, तो इसकी ग्रोथ स्टेज है। इसकी कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज, ग्रोथ स्टेज है। और देर वॉज नॉट एनी थ्रेट्स इन द कॉम्पिटिशन एज इट वॉज द चीपेस्ट कार, सबसे सस्ती कार इंडिया में जो थी सबसे सस्ती कार थी, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन, थ्रेट का मतलब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था उसको, तो ये इसकी कौन सी थी, ग्रोथ स्टेज थी, ठीक है। देखो यहाँ पर इसकी जो इंट्रोडक्शन स्टेज थी ना, जब लोगों को समझाने में इसको 3 साल का वक्त लगा, 1983 से 1986, तो ये कितने साल हो गए यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज के, 3 साल। और ग्रोथ स्टेज में कितने हो गए इसके, इसने ग्रो किया, मतलब यहाँ पे इसको कंपटीशन नहीं मिला, ये सिर्फ सेल्स बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो 87 से 96 कितना हो गया यहाँ पे, 87 से 96 कितने साल हो गए, 9-10 साल तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज उसकी कितनी कम रही, देखो 97 से 2000 कितने साल है यहाँ पे, 97 से ईयर 2000 तक कितने साल रहे, यहाँ पे इसके 3 साल रहे, फिर यहाँ पे उसके अपने ये 9 ईयर्स ले लो आप, यहाँ पे कितने साल रहे, 3 साल ले लो एक बार यहाँ पे, ठीक है। और डिक्लाइन स्टेज देख लो भैया, डिक्लाइन स्टेज देखो इसका 2000 से प्रेजेंट तक आप देख लो इसका, समझ में आ रहा है क्या, कितना लंबा है, लेकिन मार्केट से भी आउट नहीं हुआ है पर डिक्लाइन पर है। जब हम यहाँ पर ग्रोथ के बाद में हम जब मैच्योरिटी एज देखते हैं इसका, मैच्योरिटी तो मारुति 800 सेल्स लाइक टच 2 लाख इन 1999, मतलब कितनी, 1999 में उसने 2 लाख कारें बेची, ठीक है, 2 लाख। एंड दिस वॉज द टाइम वेन देर वॉज अ रिपोजिशन इन द मारुति प्रोडक्ट्स टू, मतलब मार्केट में पोजिशन उसकी बहुत स्टेबल हुई थी। एंड देयर वर 40 मिलियन टू व्हीलर ओनर्स हु वर टारगेटेड, मतलब 40 लाख से ऊपर के लोगों को टू व्हीलर को उन्होंने टारगेट किया था कि ये टू व्हीलर चलाने वाले हमारे कार खरीदने, इतने लोगों को उन्होंने टारगेट भी किया था। ऑल्सो कॉम्पिटिटर्स भी मिलने लग गए थे, क्योंकि कॉम्पिटिटर की वजह से तो हम स्टेबल हो जाते, नहीं तब तो ग्रो 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 ही करते रहेंगे, लेकिन आके हमारी साइकिल कहाँ स्टेबल होने लगती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत मिलता है, जनरल मोटर्स, फोर्ड आ गई, टाटा आ गई, बहुत सारी कंपनीज आने लग गई। तो मैच्योरिटी स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में आपकी सेल्स ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन कॉम्पिटिटर भी आपको आने लग गए, सब्स्टिट्यूट्स क्रिएट होने लग गए, क्या क्रिएट होने लग गए, आपके सब्स्टिट्यूट्स, आपके कस्टमर जो है दूसरे प्रोडक्ट्स को, मारुति को छोड़कर टाटा ट्राई करेंगे, फोर्ड ट्राई करेंगे। अब लास्ट स्टेज जो अपनी आ गई वो कौन सी आ गई, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में देखो मारुति 800 फेस सीरियस कॉम्पिटिशन फ्रॉम i10 स्पार्क, जैसे i10 स्पार्क और i10 और स्पार्क दो जो ये लॉन्च हुई ना उसके बाद में मारुति 800 को तो किसी ने पूछना ही बंद कर दिया, ठीक है। सोचो कैसे, देयर वाज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन सेल्स, ओनली 33,000 का सेल्स, कितना कम है, 2009-2010 ये जो ईयर है, 2009-10 का ये ईयर इसका ड्रास्टिक रहा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साल की पूरे इंडिया में 33,000 करीब ही आपकी अप्रोक्स क्या हुई है, सेल्स हुई है। तो सोचो आपका जो देखो सेल्स देखो कितना गिर गया है, तो ये आपके क्या है, डिक्लाइन स्टेज है। अभी मारुति 800 का क्या हुआ, चली गई क्या मारुति 800 मॉडल, कोई खरीद रहा है क्या, मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे, बनते हैं अभी भी, बनते हैं और अभी भी लोग निकाल रहे हैं, लेकिन उनका कितने एक निकालेंगे, क्या वो लाखों में चलेगा, एक कुछ एक चलेगा, कुछ एक चलेगा। तो ग्राफ आपने देख लिया, और अगर इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये ग्राफ देख लो यहाँ से, अगर आप इसको नोट डाउन कर लोगे ना, ये आपकी 4 लाइफ साइकिल है और मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस है। तो यहाँ पे आप इसको पूरा निचोड़ जो है इस टॉपिक का यही है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या हो रहे हो, टेक ऑफ कर रहे हो, मतलब आप बढ़ रहे हो,
और यहाँ पे जाके आपने क्या हुआ, शेकआउट का मतलब, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मामला, शेकआउट का मतलब आपका यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका स्टेबल होना चालू हो जाएगा। शेकआउट मतलब यहाँ से आपका स्टेबल होने लग जाएगा, तो ये काइंड ऑफ स्टेबिलिटी है। अच्छा, टेक ऑफ फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप क्या देख रहे हैं, सेल्स कम है, हाई कॉस्ट पर कस्टमर, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी था, फाइनेंशियल लॉसेस तो होते ही है क्योंकि करोड़ों में है और हजारों में कमाएंगे। इनोवेटिव कस्टमर्स, आप कस्टमर्स को इनोवेट करके, इनोवेटिव मतलब जो आपके नए प्रोडक्ट को ट्राई करे, ऐसे कस्टमर को इनोवेटिव कस्टमर्स कहते हैं। फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज सेल्स है, कॉस्ट पर कस्टमर आपके, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा राइज आपने यहाँ किया, तो यहाँ पे आपके कॉस्ट पर कस्टमर गिरने लगती है, कॉस्ट पर यूनिट कम आती है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर है, मोर कॉम्पिटिटर, मतलब कॉम्पिटिटर्स को भी अब ग्रोथ स्टेज, एक ऐसी स्टेज होती है कि लगता है कि यार हमें भी यही काम करना चाहिए, हमें सारे धंधे छोड़ के यही धंधा करना चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ये एक कॉमन कहते हैं ना मानसिकता है। उसके बाद मैच्योरिटी में पीक सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट हाई, मास मार्केट मतलब अब तो चॉइसेस है, किसी कंपनी की खरीदो, स्टेबल कंपटीशन। यहाँ पे फॉलिंग सेल्स है, डिक्लाइन में, कॉस्ट पर कस्टमर क्या है, लो नहीं है, इसमें थोड़ी हाई हो जाएगी। प्रॉफिट आपका गिरने लग गया, कस्टमर बेस कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया, कस्टमर कम होने लग गए, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आपके फॉल होने लग गए उसी चीज के अंदर, क्योंकि उस वैसी मारुति 800 जैसा कोई और कार नहीं बना रहा है, वो छोटी सी कार, मारुति बहुत अच्छी थी, मारुति 800 ऐसी बात नहीं है, लोग खरीदते नहीं है, लेकिन मारुति 800 जैसी मैच करती हुई वैसी छोटी साइज कोई और बना रहा है, तो कॉम्पिटिटर्स उतने नहीं है अब इसके अंदर, ठीक है। आगे समझ में ठीक है जी।